नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं फैक्टराइजेशन का, रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी इसको भी सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने के लिए एक एग्जांपल उन्होंने दिया, मैं दिखा देती हूँ। ए स्क्वायर प्लस फाइव ए प्लस सिक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए माइनस ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस फोर। तो पहले तो ना हम लोग को एक एक का सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, देखो अभी पहले मैं एक सॉल्व कर रही हूँ, ए स्क्वायर प्लस फाइव ए प्लस सिक्स। कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन, सिक्स है तो क्या होगा, थ्री टू ज़ा सिक्स क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस टू ए प्लस सिक्स। यहाँ पे ए कॉमन आएगा तो ए प्लस थ्री, प्लस टू कॉमन आएगा तो ए प्लस थ्री, तो ए प्लस थ्री और ए प्लस टू, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन सेकंड वाला, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस ट्वेल्व। तो अभी माइनस ट्वेल्व का चाहिए हम लोग को फोर, थ्री ज़ा यहाँ पे माइनस साइन तो बड़ा नंबर माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस थ्री ए माइनस ट्वेल्व, ए कॉमन ए माइनस फोर प्लस थ्री कॉमन ए माइनस फोर, तो ए माइनस फोर और ए प्लस थ्री, इसका फैक्टराइजेशन हो गया तीसरा वाला। अभी ये तो किया हुआ है, इसका देखते ए स्क्वायर माइनस फोर, तो इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। हाँ अभी सिर्फ अभी हम लोग को ए सॉल्व करके पहले लेना पड़ेगा, अभी सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर प्लस फाइव ए प्लस सिक्स क्या है, तो ए प्लस थ्री और ए प्लस टू, करेक्ट। अभी ए स्क्वायर माइनस ए माइनस ट्वेल्व क्या है, तो a माइनस फोर ए प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस फोर, तो यहाँ पे है। अभी ए स्क्वायर माइनस फोर क्या है, a प्लस टू ए माइनस टू, ठीक है। देखो ये जो है वैल्यूज वही डाला है। अभी देखो a प्लस थ्री कट हो गया, a प्लस टू कट हुआ, a माइनस फोर कट हुआ, तो आपको क्या बचा, वन, ऊपर कुछ नहीं बचा तो वन है, नीचे कितना बचा, a माइनस टू, तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे वाला और एक सॉल्व करते हैं, आपको समझेगा, एक्सप्लेनेशन है ये तो समझेगा। देखो सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एटीन एक्स प्लस एट अपॉन फोर्टी नाइन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन मल्टीप्लाइड बाय फोर्टीन एक्स माइनस एट अपॉन एक्स प्लस टू। पहले क्या करना है, फटाफट एक एक को सॉल्व करना है। फर्स्ट वाला सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एटीन एक्स प्लस एट बराबर क्या करेंगे, फिफ्टी सिक्स। फिफ्टी सिक्स का हमें पार्ट करना है, तो क्या होगा, एटीन चाहिए बीच में हम लोग को, एटीन चाहिए। देखो अभी 56 का 14 फोरजा भी 56 होता है, तो 7x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 4x प्लस 8, 7x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x प्लस टू, प्लस 4 कॉमन आएगा तो x प्लस टू, तो x प्लस टू और 7x प्लस 4 ये हो गया। सेकंड वाला क्या है, 49x स्क्वायर माइनस 16, इसका मतलब ही है 7x स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, सेवन एक्स प्लस फोर सेवन एक्स माइनस फोर। बाकी इसमें इजी दिया है, तो अभी हम लोग अप्लाई करते हैं। फर्स्ट वाला सेवन एक्स प्लस एटीन एक्स प्लस एट के बदले में हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस टू और सेवन एक्स प्लस फोर अपॉन फोर्टीन नाइन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन के लिए लिखेंगे सेवन एक्स प्लस फोर सेवन एक्स माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे क्या है फोर्टीन, अभी यहाँ पे फोर्टीन एक्स माइनस एट है तो क्या करेंगे, टू कॉमन निकालेंगे तो क्या होएगा, सेवन एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस टू, दिख रहा है। हाँ तो ये देखो सेवन एक्स प्लस फोर सेवन एक्स प्लस फोर गया, सेवन एक्स प्लस माइनस गया, एक्स प्लस टू गया, तो क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ टू बचा,
तो ये आपका आंसर हो गया। 6.4 का फर्स्ट वाला करते हैं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम प्लस एन होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम क्यूब माइनस एन क्यूब। तो पहले एक एक को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये तो हो गया। अभी सेकंड वाला एम प्लस एन होल स्क्वायर, सेकंड वाला उसको क्या करेंगे, इसको नाम ना ऐसे देते, सेकंड वाला नहीं देते, ऐसे देते। एम प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, एम प्लस एन दो बार एम प्लस एन, ठीक है। अभी थर्ड वाला तो कुछ नहीं कर सकते, इसमें कुछ नहीं होगा। फोर्थ वाला क्या है, मतलब अभी क्या करेंगे, एम क्यूब माइनस एन क्यूब, एम क्यूब तो फॉर्मूला है अपना, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, हाँ ये लिखा, बस अभी इसमें डाल दो। देर को एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के बदले में लिखेंगे एम प्लस एन एम माइनस एन अपॉन एम प्लस एन एम प्लस एन स्क्वायर है ना, इसके लिए मल्टीप्लाइड बाय एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर अपॉन, इसका क्या है, एम माइनस एन दूसरे ब्रैकेट में एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। अभी कट करना है, देखो एम प्लस वन एम प्लस एन कट हो गया, एम माइनस एन कट हुआ, ए और ए भी कट हुआ, तो बचा क्या, ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो वन, नीचे क्या बचा है, एम प्लस एन हो गया आपका सॉल्व। सेकंड वाला भी करते हैं, ए स्क्वायर प्लस टेन ए प्लस 21 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 6 ए माइनस 6 7 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए प्लस 3। तो पहला मेन क्या है, सॉल्विंग, और उसके लिए बेसिक आना जरूरी है। अभी पहले वाले का करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 10 ए प्लस 21, इसका मतलब मुझे 21 के पार्ट करने हैं, 7 थ्री जा, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 3 ए प्लस 21, ए ब्रैकेट में ए प्लस 7 प्लस 3 ब्रैकेट में ए प्लस 7, तो ए प्लस 7 और ए प्लस 3 हो गया। सेकंड वाला, सेकंड वाला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 6 ए माइनस 7, तो माइनस 7 का 7 वन जा, ए स्क्वायर प्लस 7 ए माइनस ए माइनस 7, ए ब्रैकेट में ए प्लस 7 माइनस 1 ब्रैकेट में ए प्लस 7, तो ए प्लस 7 ए माइनस 1 ये हो गया। थर्ड वाला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 1, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, तो क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस वन ए माइनस वन। फोर्थ वाला करने की ज़रूरत नहीं, अभी सिर्फ लिखना है, ए स्क्वायर प्लस टेन ए प्लस 21 का क्या है, ए प्लस 7 और ए प्लस 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 6 ए माइनस 7 का क्या है, ए प्लस 7 और ए माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए क्या है, ए प्लस 1 ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस 3। अभी कट करेंगे, ए प्लस वाला कट हुआ, ए प्लस वाला कट हुआ, ए कट हुआ, तो क्या बचा, ए प्लस 1, यही आपका आंसर है। ओके, अभी थर्ड वाला सम किधर है, 8x³ माइनस 27y³ अपॉन 4x² माइनस 9y² तो पहले इसका करते हैं, 8x³ माइनस 27y³ इसका मतलब क्या है, तो 2x का क्यूब माइनस 3y का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब है ना, तो a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होगा, a माइनस b
टू एक्स माइनस थ्री वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस ए बी टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय थ्री वाई प्लस थ्री वाई का स्क्वायर। तो क्या आएगा, टू एक्स माइनस थ्री वाई दूसरे ब्रैकेट में फोर एक्स वाई प्लस सिक्स वाई एक्स वाई प्लस नाइन वाई स्क्वायर। ये हो गया। अभी सेकंड वाला है फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन वाई स्क्वायर। क्या हुआ, टू एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री वाई का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा, टू एक्स प्लस थ्री वाई टू एक्स माइनस थ्री वाई। चलो अभी अप्लाई करते हैं। एट एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब के बदले में हम लोग लिखेंगे टू एक्स माइनस थ्री वाई दूसरे ब्रैकेट में फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई प्लस नाइन वाई स्क्वायर। नीचे टू एक्स प्लस थ्री वाई टू एक्स माइनस थ्री वाई। तो क्या बचेगा, ए माइनस वाला कट हुआ, तो क्या बचा आपको, फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई प्लस नाइन वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स प्लस थ्री वाई। समझा, फोर्थ वाला भी। फोर्थ वाला सम करते हैं, होप आपको समझ में आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस एट मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटी फोर अपॉन एक्स माइनस एट होल स्क्वायर। तो अभी एक एक को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी फोर, तो अभी हम लोग को माइनस ट्वेंटी फोर के पार्ट करने हैं। एट थ्री ज़ा एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी फोर, एक्स कॉमन एक्स माइनस एट प्लस थ्री कॉमन एक्स माइनस एट, तो एक्स माइनस एट एक्स प्लस थ्री। ठीक है, सेकेंड ये तो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटी फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आएगा, एक्स प्लस एट एक्स माइनस एट। थर्ड क्या है, एक्स माइनस एट स्क्वायर, तो क्या होगा, एक्स माइनस एट एक्स माइनस एट। अभी अप्लाई करेंगे। चलो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी फोर के बदले में हम लोग को लिखना है एक्स माइनस एट एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस एट मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटी फोर के बदले में हमें लिखना है एक्स प्लस एट एक्स माइनस एट अपॉन एक्स माइनस एट एक्स माइनस एट। बस अभी लिखा, अभी कट करेंगे। अभी देखो एक्स प्लस एट एक्स प्लस एट करे एक्स माइनस एट किया, इधर का भी माइनस कट हुआ, इधर का भी माइनस कट हुआ, अरे वाह सब कट हुआ। तो क्या बचा, वन, जीरो नहीं लिखना है, वन लिखना है। हम सॉल्व करते हैं, वो प्लस समय पहले एक एक को सॉल्व करते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, तो क्या करेंगे, किसका पार्ट करेंगे, माइनस सिक्स का, सिक्स वन ज़ा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स माइनस टू, थ्री एक्स कॉमन एक्स माइनस टू प्लस वन कॉमन एक्स माइनस टू और थ्री एक्स प्लस वन। ये हो गया सेकेंड। एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, ट्वेल्व का पार्ट करना है, सिक्स टू ज़ा नहीं फोर थ्री ज़ा माइनस माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व, एक्स माइनस फोर माइनस थ्री ब्रैकेट में एक्स माइनस फोर, तो एक्स माइनस फोर एक्स माइनस थ्री। ओके ये भी हो गया। थर्ड वाला थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्स, क्या होगा, सिक्स थ्री ज़ा एटीन, अभी एटीन का पार्ट करना है, एटीन का पार्ट जिसका आंसर माइनस सेवन आना चाहिए, है ना, तो नाइन टू ज़ा और माइनस सेवन। क्या करेंगे,
थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स, थ्री एक्स कॉमन एक्स माइनस थ्री प्लस टू कॉमन एक्स माइनस थ्री, तो क्या होगा एक्स माइनस थ्री थ्री एक्स प्लस टू, ये भी हो गया। अभी चौथा वाला है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, तो क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, इधर तक तो हो गया। अभी अप्लाई करेंगे, अभी थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू के बदले में हमें मिला है आंसर एक्स माइनस टू और थ्री एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व के बदले में मिला है हमें एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय, यहाँ पे के साइन डिवाइडेड है, वो पहले वो लिख देते उसके बाद कर, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्स उसके बदले में हमें मिला है एक्स माइनस थ्री थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर के बदले में हमें मिला है एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। तो अभी यहाँ पे डिवाइड है, तो पहले तो ये ऐसे कैसे लिखते हैं, एक्स बराबर मिला ना एक्स माइनस टू, ओके एक्स माइनस टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स थ्री एक्स प्लस वन अपॉन, ज़रा इधर ध्यान देना मैंने गलत से क्या किया, माइनस सिक्स का फाइव वन लिया था तो नहीं होगा, हमें क्या चाहिए माइनस एक्स वन चाहिए ना, तो थ्री टू जाए सिक्स लेंगे और ये थ्री माइनस लेंगे, तो हमें ये मिला एक्स माइनस वन और थ्री एक्स प्लस टू, ये हमें आंसर मिला। मैंने पहले वाला गलत किया था गलती से, तभी यहाँ पे लिखने के टाइम भी ऐसे ही करना पड़ेगा, ये वन है और यहाँ पे टू है, ओके एक्स माइनस फोर एक्स माइनस थ्री। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे हमें डिवीजन करने के टाइम नीचे वाला ऊपर लिखेंगे एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, और ये ऊपर वाला नीचे लिखेंगे एक्स माइनस थ्री थ्री एक्स प्लस टू, तो यहाँ थ्री एक्स प्लस टू थ्री एक्स प्लस टू गया, और कुछ गया क्या, नहीं गया, तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, ऐसे कैसे नीचे देखो एक्स माइनस फोर, अभी एक्स माइनस थ्री दो बार है, तो एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हाँ वैसे